अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी डॉग्स। मैं इस वक्त जो है वो एक दरिया के किनारे या एक दरिया के किनारे एक पत्थर पर बैठा हूं। इस दरिया का नाम है दरिया सवां। मेरे पीछे ऊपर किला फरवाला नज़र आ रहा है जिसका व्लॉग मैंने आपको पहले दिखाया, और जो है वो इस दरिया को पार करते हुए पहले भी आपको दिखाया है मंज़र, और मैं इस व्लॉग में भी दिखाऊँगा, क्योंकि पत्थरों पर चलकर पानी में से गुजरने का कम से कम मेरा तो ये पहला मौका था। इससे पहले जो है वो कोई ऐसी सूरतेहाल नज़र नहीं आई, मतलब ऐसी सूरतेहाल दरपेश नहीं हुई मुझे। दरिया सवां का जो है वो व्लॉग अलग से करने का मकसद ये है कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी तहजीबें हैं उन्होंने दरियाओं के किनारों पर जन्म लिया, और हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि सिंध सिविलाइजेशन यानी दरिया सिंध की तहजीब। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो दरिया, जो छोटा सा दरिया आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक तहजीब का मरकज़ रहा है, और इसका नाम जो है वो सवानियन सिविलाइजेशन रहा है। यानी इसके इर्द गिर्द जो है, इसके किनारों पर जो देहात आबाद हैं, जो शहर आबाद हैं, वहाँ भी एक जो है वो उसको क्या कहना चाहिए, सिविलाइजेशन का क्या हम तर्जुमा करें, एक तहजीब ने जन्म लिया, परवान चढ़ी और फिर वो ख़त्म हो गई। पहले तो ये बता दूं कि दरिया सवां निकलता कहाँ से है। ये निकलता है, जो अगर आप गूगल मैप देखें तो आपको ये लगेगा कि ये पत्रियाटा की पहाड़ियों से निकलता है, मरी के इलाके से, और उसके बाद जो है वो ये इन्हीं पहाड़ियों में बल खाता हुआ आगे बढ़ता है, और ये जो है वो फिर अपना तहसील मरी, उसके बाद रावलपिंडी से आगे जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट चकवाल में दाखिल होता है, फिर अटक मियांवाली और मखड के करीब जो है वो दरिया, ये दरिया सिंध में जा गिरता है। मजमूई लंबाई इसकी 250 किलोमीटर है। इसका पानी उथला है, कहीं भी ये खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो है वो पानी है तेज़ रफ्तार, क्योंकि ज़ाहिर है पहाड़ी इलाके से आता है, तेज़ रफ्तार और साफ शफाफ और ठंडा पानी है, लेकिन खेतीबाड़ी के लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं हो सकता कि खेत इससे ऊँचे हैं, ये नीचे हैं। हाँ, आगे चौंतरा के इलाके में, पिंडी घेब के इलाके में और फतेहजंग के इलाके में कुछ इलाके ऐसे हैं जो इसके बराबर आ जाते हैं और इससे खेतीबाड़ी हो सकती है। अच्छा, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये जो मतलब जो मुहक्किन जो कहते हैं, मैं नहीं कहता, मुहक्किन जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये दरिया सवां जो है इस वक्त तो एक नदी की सूरत है, लेकिन कभी जो है वो ये एक बहुत बड़ा दरिया हुआ करता था, और इसका जो मंबा है वो झील मानसूर थी, यानी हिमालय के पहाड़ों से ही निकला करता था, और बुनियादी तौर पर दरिया जेहलम और दरिया सवां जो है ये एक ही थे। उसका रीज़न वो ये बताते हैं कि दरिया सवां की जो इसकी जो तय है, इसमें संगमरमर, ज़मर्रद और जो है वो कीमती पत्थर जो है वो पाए जाते हैं, जो मरी की रेत में नहीं है, बल्कि दरिया जेहलम और दरिया नीलम में जो है वो ये संगमरमर, मोती और ज़रो जवाहर जो है वो उसकी तय में पाए जाते हैं। इस बेस पर वो ये कहते हैं कि ये दोनों दरिया या तीनों दरिया कभी ये एक थे, उसके बाद कोई ऐसा जलजला आया जिसकी वजह से जेहलम ने अपना रुख बदल लिया और एक छोटी जो है वो नदी उसमें से निकल पड़ी, जिसका नाम जो है वो सवां रख दिया गया। ये वही नदी है जो है वो जिसके बारे में जो है वो कहा गया कि ये कभी जेहलम और नीलम थे। अच्छा, इसके बारे में जो सबसे पहला दावा था वो 1893 में रावलपिंडी गजेटियर जो है वो एक वो था, जो सरकारी एक होता है गज़ट जिसको आप कह सकते हैं, ये उसमें कहा गया था कि दरिया सवां बुनियादी तौर पर जेहलम और नीलम का हिस्सा था, लेकिन बाद में ये दोनों दरिया जो है वो अलग अलग हो गए। अच्छा, ये जहाँ मैं बैठा हूँ, ये शायद ये दिखाइएगा, ये जो दो चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, ये भी कहा गया, ये भी कहा गया कि जो है ना वो ये कहूटा से जो है वो 1 किलोमीटर लंबी बाकायदा एक चट्टानी गार बनाता था, यानी गार में से ये दरिया गुजरा करता था, और गार में से गुजर कर जो है वो ये दरिया फिर जो है वो कहूटा और रावलपिंडी को अलग करता था। फरवाला के साथ वहाँ से ये गार शुरू होती थी और ये जो है वो आगे तक जाती थी, लेकिन इस वक्त गार के तो कोई आसार नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये जितनी ये जो ऊंची ऊंची जो चट्टानें नज़र आ रही हैं, ये इस दरिया ने जो है वो कैसे काटी होगी। अगर तो इसका बहाव हमेशा से ऐसे ही था जिस तरह अब है, तो ये चट्टानें काटना कम से कम इस बहाव के लिए नामुमकिन सी बात है। इसका मतलब ये है कि कभी इसमें इतना पानी था या ये इतना मुँह ज़ोर दरिया होगा
कि ये जो है वो चट्टानें काटकर गार का तो कोई नामो निशान नहीं रह गया, लेकिन ये कटी हुई चट्टानें जो है ये ज़रूर बताती हैं कि गार जो है वो कभी रहा होगा लेकिन अब नहीं है, अगर था भी तो कोई 100 साल पहले या 1000 साल पहले होगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था सवानियन तहजीब की, इसे पोठोहार की तहजीब भी कहा जाता है, सवानियन जो है सिविलाइजेशन जो है। अच्छा, इसका इब्तदाई नाम जो मुहक्किकीन ने बताया वो कहते हैं जी इसका इब्तदाई नाम जो है लिमोरिया था, इस तहजीब का नाम, हालांकि लिमोरिया जो है वो एक ऐसे बर्रआज़म का नाम जो है वो शुरू में लिया गया जो इस वक्त गायब हो चुका है, गुम हो चुका है, यानी वो मतलब रूए ज़मीन पर मौजूद नहीं है, उसका नाम लिमोरिया था। लेकिन जो बरतानवी मुहक्किकीन थे उन्होंने 20वीं सदी के आगाज़ में ये करार दिया कि नहीं, लिमोरियन वो नहीं थे जो गायब हो चुके हैं, वो कहते हैं कि वो बड़े माफोक फितरत किस्म के लोग थे और वो हमसे कई गुना ज़्यादा ज़हीन थे और जो है वो हमसे कई गुना ज़्यादा जो है वो जानते बूझते थे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी, लिमोरिया जो है वो इस तहजीब का नाम था जो दरियाए सवा के किनारे आबाद थी। अच्छा, फिर इसको पाताल का नाम दिया गया, यानी तहजीब को पाताल का नाम दे दिया गया। उसके बाद जो है ना वो जो द्रावड़ थे वो इसको मलहवा और आर्यन इसे भरतवर्षन कहा करते थे कि ये तहजीब का नाम जो है भरतवर्षन है। फिर ताशकंद से जो है वो तक्षक कबीले के लोग आ गए, वो ये कहने लगे कि ये जो है वो ये नाग देश है, और जो है वो कौशल ने जो है वो इसे पंजाल का नाम दिया। पाताल के जो मकीन थे ये चांद की पूजा किया करते थे, ये जो है वो मतलब किसी मजहब से ताल्लुक़ नहीं रखते थे बल्कि ये चांद की पूजा किया करते थे। और जो है वो तक्षक जो है वो टेक्सला में भी आबाद हुए आकर, और टेक्सला में भी इन्होंने बहुत सारी आबादियों की बुनियाद रखी और बहुत बड़ी तरक्की का जो है वो ये बायस भी बने। ये एक नाम लिया जाता है तारीख में हेरोडोटस का, जिसे कहा जाता है फादर ऑफ द हिस्ट्री। हेरोडोटस जो है 425 से 484 कबल मसीह, ये उस वो कहता है कि जी इसका नाम सुषमा था, दरियाए सवा का नाम उसने सुषमा इसका दिया, जबकि जो है वो अंग्रेज़ दौर में इसका नाम जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते सुषमा से सवा हो गया। एक ज़माना ये था, अब तो खैर ये बकरियां भी जो है वो इसको पार कर रही हैं दरिया को, हम भी जो है ना वो उसको पार करके गए भी, वापस भी आए, बहुत सारा जो है वो इसमें जो है वो गदलापन शामिल हो गया। थोड़ा सा आगे जाएं तो रावलपिंडी का सारा गंदा पानी लई नाले के ज़रिए से इसमें गिरता है, लेकिन अंग्रेज़ों के दौर तक ये इतना साफ शफाफ पानी होता था कि इसकी रेत में से सोना निकालने का लाइसेंस जारी किया जाता था। दरिया सवा जो है, और जो है वो एक पुल है अपना सवा ब्रिज जो सवा अड्डे के साथ है, कहते हैं जी कि वहाँ अंग्रेज़ ख़ानदान जो है वो बाकायदा उनकी फैमिलीज़ शाम को चहलकदमी के लिए आया करते थे, और ये इतना साफ और शफाफ दरिया था कि एक ज़माने में ये भी जो है ना वो मंसूबा बनाया गया था कि इस दरिया के दोनों किनारों पर जो है वो बाग लगाया जाए, लेकिन बाग तो ना लग सका, एक किनारे पर DHA बन गया, एक किनारे पर बैरियटॉन बन गया, बाग तो बीच में रह गए, दरिया हम खा गए। और ठीक है, लोग कहते हैं कि अर्बनाइजेशन हुई DHA की सूरत में और बैरियटॉन की सूरत में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितना नेचर को नुकसान पहुँचा उसकी कोई हद नहीं है, इसलिए कि ये जो पहाड़ खाइयाँ गार गढ़े ये जो कुदरती तौर पर है इनका कोई ना कोई मकसद तो होगा ना, लेकिन ये जो अर्बनाइजेशन शुरू हुई है इसके नाम पर जो नए शहर बसाए जा रहे हैं, जो नई आबादियाँ बसाई जा रही हैं, उन्होंने ये सारे जो कुदरती गढ़े भर दिए, कार ख़त्म कर दिए, जंगल काट दिए, इनका कोई तो असर होगा जो आगे चलकर जो ग्लोबल वार्मिंग हम जो है वो जिसका रोना रोते हैं, हम कहते हैं जी कि सैलाब आ गए, बहुत ज़्यादा गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, सर्दी जो है वो शदीद होगी, ये सब इसी का नतीजा है जो हम अपने हाथों से अपनी ज़मीन को बर्बाद कर रहे हैं, यही हाल हमने जो है वो इसके साथ किया। अच्छा, सवानियन कल्चर जो है वो इसको क्यों कहा गया, क्योंकि जो इसके किनारों पर जो ज़मीनें आबाद हैं इसमें से जो है वो जर्मन माहिर आसार कदीमा डॉक्टर डीटीरा वो ये कहता है जी कि सवा कैंप मोरगा और पिंडी घेब के जो इलाके हैं, म्याल का जो इलाका है, वहाँ से जो है वो फोसल मिले हैं, और वो फोसल जो है वो इब्तदाई पत्थर के ज़माने के फोसल हैं, यानी 30 लाख साल से वो 1 करोड़ साल पहले तक। कुछ लोग कहते हैं ये बर्फ़ानी दौर का ज़रिया है और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बर्फ़ानी दौर के बाद का ज़रिया है, लेकिन इसकी उम्र लाखों साल में बताई जाती है, 30 लाख साल से 1 करोड़ साल के दरमियान की उम्र कम नहीं होती। दरियाए जो है वो सवा इस लिहाज से सवानियन कल्चर की बुनियाद था कि बेशक 30 लाख साल पहले यहाँ एक तहजीब आबाद थी जो हमसे ज़्यादा ज़हीन थी,
हमसे ज़्यादा समझदार थी और हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। वो तहजीब कहाँ चली गई, इन चट्टानों की सूरत में फौसल बन गई या जो है ना वो गायब हो गई, इसके बारे में मुहक्किकीन कुछ नहीं कहते। अच्छा, दरिया सवां जो है वो इसकी एक अहमियत जो है वो एक और है। यहाँ से शायद ज़रा ये आप इस साइड पर दिखाइएगा, दरिया तो शायद इतना नज़र ना आए, लेकिन ये अच्छा ये दरिया इस तरफ से आता है जी, यहाँ से कुछ थोड़ा सा फासले पर आगे जो है वो इधर आगे दिखाया जा सकता है थोड़ा सा इन पत्थरों पर अगर हमें नज़र आए तो, कितना को इलाका नज़र आ जाएगा इधर आगे से? नहीं आएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे चंद किलोमीटर ऊपर की जानिब जो है वो यहाँ एक डैम बना हुआ है जी, जिसका नाम है सिमली डैम। वो दरियाए सवां पर बनाया गया है। सिमली डैम के बारे में व्लॉग मैं कर चुका हूं और मैं आपको दिखा भी चुका हूं और मैं ये भी बता चुका हूं कि वहां उस जगह 300-400 घरों का एक गांव आबाद था जिसका नाम सिमली था, और वो सिमली जो है वो एक शहज़ादी के नाम पर रखा गया था। देवर्धन कोरू राजा था इस पूरे इलाके का मालिक, उसकी वो बेटी थी, बहुत खूबसूरत बेटी कहते हैं सिमली, वो इस इलाके में सैर करने के लिए आया करती थी। और दरिया के दूसरे किनारे पर एक दूसरी सल्तनत थी, उसका शहजादा भी आया करता था, दोनों में मोहब्बत हो गई। देवर्धन जो है वो बड़ी सल्तनत का मालिक था, वो शहजादा जो है वो छोटी सी एक जो है वो रियासत का शहजादा था। सिमली चाहती थी कि उसकी उससे शादी हो जाए, लेकिन उसके बाप ने यानी देवर्धन ने इससे इनकार कर दिया। और वहीं सिमली डैम के पास ही एक 70 फुट ऊंची चट्टान है जहाँ से उसने कूद कर खुदकुशी कर ली थी, और बाद में फिर उसे देवी का दर्जा दे दिया गया। इसके बारे में मुकम्मल व्लॉग है, सिमली डैम हिंदू शहज़ादी और सिमली डैम, उसका मैं जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप जो है वो उसे देखिएगा। उसमें मैंने पूरी कहानी सुनाई है कि उसके वो खुद वो टेक्सला में रहती थी, लेकिन कुरी जो है वो एक गाँव है उसके नाम से, कुरी रोड भी एक है, वो उसकी नानी का नाम था कोरी, कोरी बाई, वो कोरी जो है वो उससे मिलने के लिए यहाँ आया करती थी, और जब भी वो आती थी वो यहाँ दरियाए सवां की सैर के लिए आया करती थी। तो दरियाए सवां जो है वो दो हवालों से मशहूर है, एक वो सिमली शहज़ादी के हवाले से और एक ये ऊपर ये फरवाला किला जो है। आप फरवाला किले को दरियाए सवां का मुहाफिज कह लें या दरियाए सवां को फरवाले का मुहाफिज कह लें, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में दरियाए सवां यहाँ नहीं बहता था, लेकिन कम से कम पिछले 1000 साल की तारीख तो ये बताती है कि दरियाए सवां भी यहीं था और फरवाला का किला भी यहीं था। और सिमली डैम जो है जिसकी कहानी शहज़ादी सिमली से जाकर मिलती है, बाद में उसे देवी का दर्जा दे दिया गया और सिमली डैम भी मौजूद है। ये सारा कुछ जो है वो आज का जोग्राफिया है जो आपके सामने है। तो ये सवानियन कल्चर दरियाए सवां पर एक छोटा सा ब्लॉग
मैं करना चाहता था ताकि आपको स्वानियन कल्चर के हवाले से बता सकूँ कि तहजीब ने सिर्फ दरियाए सिंध के किनारे, दरियाए नील के किनारे, दरियाए फुरात के किनारे जन्म नहीं लिया, बल्कि इस दरिया के किनारे भी जो है वो एक तहजीब ने जन्म लिया जिसे जो है वो स्वानियन सिविलाइजेशन या स्वानियन कल्चर का नाम दिया गया। और जो है वो इस दरिया के बारे में, हाँ मछली बहुत अच्छी इसमें पाई जाती है, लेकिन इसका शिकार भी किया जाता है। इसकी हालत जो है वो आप देख सकते हैं, इस वक्त भी इसमें पानी बह रहा है, बहुत सारा साफ़ पानी जो है वो सिमली में रोक लिया जाता है, बाकी आगे गंदा पानी छोड़ा जाता है। आज का ब्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह ताला जो है ना वो अगले ब्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दूँ कि इसी सिमली शहज़ादी के नाम पर इंडिया का एक शहर भी आबाद है जिसका नाम है शिमला। ये सिमली डैम और शिमला, इन दोनों का आपस में यही एक रिश्ता है सिमली देवी का। इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।